हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। मेरा नाम है ओकार और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में। देखिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम यहाँ पर बात करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में। कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में क्या अंतर था, ये मैंने आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट के इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर बताया था कि भाई क्या डिफरेंस होता है इन दोनों सर्किट्स के बीच में। तो चलिए सीक्वेंशियल सर्किट की हम बात करें तो सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए आपके पास कोई आपका सीक्वेंशियल सर्किट है, ठीक है, और इस सीक्वेंशियल सर्किट को इधर से मान लीजिए आप क्या करवा रहे, इनपुट प्रोवाइड करवा रहे हो और इधर से आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर क्या होगा कि जो हमारा प्रेजेंट आउटपुट होगा, जो हमारा प्रेजेंट आउटपुट होता है, वो प्रेजेंट आउटपुट पास्ट आउटपुट प्लस प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, वो पास्ट आउटपुट प्लस प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है। कि मान लीजिए आपके पास इस तरह से फॉर एग्जांपल आपके पास चार साइकिल है, तो अगर आपको थर्ड साइकिल के लिए आउटपुट देखना है तो थर्ड साइकिल का आउटपुट क्या करेगा, थर्ड साइकिल के इनपुट के साथ साथ ये सेकेंड साइकिल के आउटपुट पर भी डिपेंड करता है। और ऐसा इसके अंदर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट को फीडबैक पाथ से हम प्रोवाइड करवाते हैं। आउटपुट का कुछ पार्ट हम इनपुट को फीडबैक पाथ से प्रोवाइड करवाते हैं, इसीलिए अगली वाली स्टेट का जो आउटपुट होगा वो पिछली वाली स्टेट के आउटपुट पर भी डिपेंड करेगा। तो पहला जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि सिक्वेंशियल सर्किट का बेसिक क्या है। भाई सिक्वेंशियल सर्किट का बेसिक क्या है कि सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर प्रेजेंट इनपुट पास्ट प्रेजेंट आउटपुट पास्ट आउटपुट प्लस प्रेजेंट इनपुट इन दोनों की दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। क्लियर है। अब देखो सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर क्या होता है कि इनके अंदर मेमोरी का सिस्टम होता है, यानी ये क्या कर सकते हैं कि जो भी आपकी बिट है उस बिट को स्टोर कर सकते हैं। तो सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर आपके पास मेमोरी होगी, जो भी आपकी बिट होगी उस बिट को ये स्टोर करने में सक्षम होते हैं, तो इन्हें हम मेमोरी एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। सीक्वेंशियल सर्किट को हम मेमोरी एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर देखो अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर मेनली देखो लैच के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा हम यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पर काउंटर्स के बारे में बात करेंगे और रजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास मेनली अपने चार टॉपिक्स होंगे, लैच, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर्स और रजिस्टर। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी यहां पर शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, और वो हमारा पहला टॉपिक है लैच। देखो लैच का मतलब होता है होल्ड करके रखना, कोई भी आपके पास चीज है उस चीज को होल्ड करके रखना। तो लैच का मीनिंग होता है होल्ड, टू होल्ड, किसी भी चीज को होल्ड करके रखना। अब अगर आप किसी भी चीज को होल्ड करके रख रहे हो इसका मतलब क्या होगा कि उसके अंदर मेमोरी है, उसके अंदर क्या है, मेमोरी है, तभी तो हम किसी चीज को होल्ड करके रख सकते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर कोई मेमोरी का सिस्टम नहीं होता था, तो वहां पर आपका जो प्रेजेंट आउटपुट होता था वो केवल और केवल प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर क्या होगा कि प्रेजेंट आउटपुट पास्ट आउटपुट पर भी डिपेंड करेगा। तो प्रेजेंट आउटपुट अगर पास्ट आउटपुट पर भी डिपेंड करेगा, इसका मतलब क्या है कि आपके पास पास्ट आउटपुट को स्टोर करने की क्षमता होनी चाहिए। आपके पास क्या होनी चाहिए, पास्ट आउटपुट को स्टोर करने की क्षमता होनी चाहिए। तो लैच देखो एक ऐसा एलिमेंट है जो वन बिट को स्टोर कर सकता है, जो क्या कर सकता है, वन बिट को स्टोर कर सकता है। और ये लैच ही आपके फ्लिप फ्लॉप की बेसिक यूनिट होती है, बेसिक यूनिट, या फिर हम इसको फ्लिप फ्लॉप का बिल्डिंग ब्लॉक बोल सकते हैं। कि जो भी आपके फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप किससे मिलकर बने हुए होते हैं, लैच से मिलकर वो फ्लिप फ्लॉप बने होते हैं। तो चलिए पहले हम एक बार यहां पर लैच का बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखो आसानी के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर आपके दो इन्वर्टर इस तरह से मैंने ले रखे हैं, तो ये हमारे पास अपने दो इन्वर्टर होंगे, इधर का आउटपुट इधर फीडबैक में जाएगा और इधर का आउटपुट आपके पास यहां पर फीडबैक में जाएगा। यहां पर मान लीजिए आपके पास एक
आउटपुट है, उस आउटपुट को आपने क्यू बोल दिया, और इधर आपके पास क्या है, क्यू कॉम्प्लीमेंट है, यहां पर आपके पास एक्स है और यहां पर आपके पास वाई है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ये अभी हमने बिल्कुल एक बेसिक लेच का कॉन्सेप्ट लिया है, तो इस डायग्राम से हम समझेंगे कि भाई लेच का एक्चुअल में क्या कॉन्सेप्ट होगा, लेच का एक्चुअल में क्या कॉन्सेप्ट होगा। अब देखो, ये जो क्यू है और ये जो क्यू कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अगर क्यू आपका जीरो होगा तो क्यू कॉम्प्लीमेंट वन होगा, क्यू आपका वन है तो क्यू कॉम्प्लीमेंट जीरो है। देखो, जब भी हम अपने लेच के अंदर या फ्लिप फ्लॉप के अंदर इस तरह की वैल्यूज रखेंगे, तो अगर क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट आए, जो कि आने चाहिए, इसका मतलब आपकी जो लेच है वो क्या कर रही है, प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। बट अगर मान लो कि वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आए, इसका मतलब आपकी जो लेच है, ये लेच किसके अंदर जा चुकी है, इनवैलिड स्टेट के अंदर जा चुकी है। तो अगर हमें ये पता करना है कि हमारी लेच प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, क्यू और क्यू बार को दोनों के एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्यू अगर वन है तो क्यू बार जीरो होना चाहिए, क्यू क्यू अगर जीरो है तो क्यू बार वन होना चाहिए। इस तरह की अगर हमारे पास कंडीशन होगी, तभी हम बोलेंगे कि हमारी लेच प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। अब देखो यहां पर क्या होगा कि ये जो आपको क्यू दिख रहा है, ये देखो क्यू बेसिकली हम इसको आउटपुट बोलते हैं, बट ये आपके इनपुट की तरह भी काम करता है, क्योंकि यहां पर हम हमेशा दो स्टेट की बात करते हैं, दो हम साइकिल की बात हम करते हैं, पुरानी वाली साइकिल की और नई वाली साइकिल की, दो साइकिल की हम हमेशा बात करेंगे। ठीक है, तो देखो जो हमारी प्रेजेंट साइकिल होगी, उस प्रेजेंट साइकिल को हम क्यू एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारी अगली वाली साइकिल होगी, उस अगली वाली साइकिल को हम क्यू एन प्लस वन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि लेच के अंदर या फिर जितने भी आपके सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट आउटपुट, पास्ट आउटपुट और प्रेजेंट इनपुट, इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। तो देखो यहां पर क्या होगा कि शुरुआत में मान लीजिए मैंने क्यू की वैल्यू जीरो रख दी, तो क्यू की वैल्यू अगर मैंने जीरो रखी है, तो क्यू बार ऑब्वियस सी बात है कितना होगा, वन होगा। अब ये जो आपका जीरो होगा, ये जीरो क्या होगा भाई, इधर चला जाएगा। ये जीरो जब यहां जाएगा, तो देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इन्वर्टर है, तो ये जीरो क्या करेगा, ये इन्वर्टर क्या करेगा, इस जीरो को वन में कन्वर्ट कर देगा, जो कि एक्चुअल में होना भी चाहिए। ठीक है, जो कि एक्चुअल में होना भी चाहिए। अब ये जो वन है, ये वन आपके यहां पर पहुंच जाएगा, ये जो वन है ये वन उठकर क्या होगा, आपके यहां पर पहुंच जाएगा। इस वन को ये इन्वर्टर क्या कर देगा, वापस से जीरो में कन्वर्ट कर देगा, फिर ये जीरो आपका वापस यहां आएगा, ये वन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये प्रोसेस आपके यहां पर लगातार चलता रहेगा। तो देखो अगर हम यहां पर बात करें, तो आपका जीरो था पुरानी वाली स्टेट में, और नई वाली स्टेट के अंदर भी आपके पास क्या है, जीरो। मतलब ये जीरो तो आपके किसकी तरह काम कर रहा है, एक तरह से पास्ट आउटपुट आप बोल सकते हो, और ये जो जीरो है, ये जीरो आपके किसकी तरह से काम कर रहा है, प्रेजेंट आउटपुट की तरह काम कर रहा है। तो समझ में आया कि पिछली वाली स्टेट हमने क्या दी, इसको जीरो प्रोवाइड करवाई, तो जीरो प्रोवाइड करवाने पर इस तरह से लैच ने अपना काम किया, और लैच ने अपना काम करके हमें नई वाली स्टेट का एक आउटपुट दिया, वो आउटपुट भी जीरो है। देखो ये जीरो वन कुछ भी हो सकता है, जो भी यहां पर इनका बेसिक स्ट्रक्चर होगा, जो भी इनकी अंदर से इंटर कनेक्शन होंगे, उस हिसाब से ये आपका आउटपुट कुछ भी हो सकता है। बट अभी हमने बिल्कुल जनरली सिंपली हमने समझने के लिए एक इन्वर्टर का, एक्चुअल में दो इन्वर्टर का हमने यहां पर इस्तेमाल किया है, और उन दो इन्वर्टर के इस्तेमाल से किस तरह से आपकी पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू आपको मिलेगी। अभी मेरा मकसद केवल इतना सा समझाना था कि एक लैच के अंदर फीडबैक आपके किस तरह से काम करती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक लैच के अंदर आपकी फीडबैक किस तरह से काम करेगी। इधर का इनपुट इधर जाएगा, फिर ये इधर अपना जो भी गेट हमने लगाया हुआ है वो गेट अपना काम करेगा, उसके बाद जो आउटपुट होगा दूसरे वाले गेट का, वो पहले वाले गेट के इनपुट के लिए जाएगा, फिर पहला वाला गेट अपना काम करेगा, फिर पहले वाले गेट का इनपुट पहले वाले गेट का आउटपुट दूसरे वाले गेट का इनपुट बन जाएगा, और ये प्रोसेस आपका लगातार इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट होता है लैच का। चलिए हम अपनी पहली टाइप की लैच के बारे में बात करते हैं, और वो है हमारे पास अपनी एसआर लैच। देखो जो आपकी लैच होती है और जो आपके फ्लिप फ्लॉप होते हैं, आप इनको कैसे भी बना सकते हो, आप चाहो तो इनका इस्तेमाल
इनको नैंड गेट का इस्तेमाल करके भी बना सकते हो, चाहो तो आप इनको नोर गेट का इस्तेमाल करके भी बना सकते हो, बट दोनों में हमें ज्यादा कुछ अंतर देखने को मिलेगा नहीं। फाइनल जो दोनों का रिजल्ट रहेगा वो फाइनल दोनों का रिजल्ट सेम रहेगा, बट यहां पर मैं जो बनाऊंगा वो मैं नोर गेट का इस्तेमाल करके बनाऊंगा। तो टेंशन मत लेना, कहीं अगर आप किसी बुक में नैंड गेट का इस्तेमाल करके कोई एसआर लैच या एसआर फ्लिप फ्लॉप, या आगे हम पढ़ने वाले हैं जेके फ्लिप फ्लॉप, उनके बारे में अगर आप पढ़ो, उनके बारे में देखो, तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम एसआर लैच को या एसआर फ्लिप फ्लॉप को नोर गेट और नैंड गेट दोनों से बना सकते हैं। देखो, गेट जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जो नोर गेट है और जो नैंड गेट है, इन दोनों गेट्स को हम यूनिवर्सल गेट के नाम से जानते हैं। वो मैंने क्यों बताया था, क्योंकि इन दोनों गेट का इस्तेमाल करके हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी भी सर्किट को रियलाइज कर सकते हैं। कोई भी हम अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट बना सकते हैं इन दोनों गेट का इस्तेमाल करके, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं अपनी एसआर लैच के बारे में। तो यहां पर मैं इस तरह से नोर गेट का इस्तेमाल करके अपनी एसआर लैच बना रहा हूं। टेंशन मत लेना, कहीं नैंड गेट का इस्तेमाल से अगर आपको लैच या फ्लिप फ्लॉप दिखे, दोनों का जो फाइनल आएगा वो फाइनल एक ही आता है। ठीक है, तो इधर मान लीजिए मेरे पास क्या है, क्यू एन है, और इधर मेरे पास क्या है, क्यू एन बार है। देखो, इस पूरे प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मान लीजिए मैंने आर को लगा दिया, एक इनपुट है मेरे पास आर, वो आर इनपुट मैंने यहां पर लगा दिया, और यहां पर मान लीजिए मैंने दूसरा इनपुट लगा दिया, वो दूसरा इनपुट क्या है, एस है। इसका फीडबैक हम इधर देंगे, और इसका जो फीडबैक होगा, 1 मिनट, और इसका जो फीडबैक होगा वो इसका फीडबैक हम यहां पर प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये है आपकी बेसिक एस आर लैच। अब देखो, इस एस आर लैच की वर्किंग को आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। जो मैं इसकी वर्किंग आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, वो वर्किंग अगर आपके एक बार समझ आ गई तो बहुत आसानी से आप ये सारे काम यहां पर कर सकते हो। तो चलिए इसकी वर्किंग हम एक बार यहां पर समझते हैं। इधर मैं लिख लेता हूं। अच्छा, एक और बात यहां पर, कि ये जो आर है, इस आर को हम रिसेट नाम से जानते हैं, और ये जो एस है, इस एस को हम सेट नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आर क्या होगा, एस क्या होगा। आर को हम रिसेट नाम से जानते हैं, एस को हम सेट नाम से जानते हैं। तो इधर मान लीजिए हमने एस और आर लगा दिया, इधर आपके पास कोई भी स्टेट है, वो आपके पास मान लो क्यू एन स्टेट है, और अब हम इसकी अगली वाली स्टेट यानी क्यू एन प्लस वन स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो पहले क्या किया हमने कि एस और आर इन दोनों को हमने जीरो कर दिया, और आपके क्यू एन की वैल्यू को भी चलो हमने जीरो अज्यूम कर ली। एस और आर इन दोनों को भी हमने जीरो कर दिया, और क्यू एन की वैल्यू को भी हमने जीरो अज्यूम कर ली। अब इस कंडीशन में देखिए कि आपको क्या अगली स्टेप का आउटपुट मिलने वाला है। ध्यान से यहां पर समझना। देखिए, ये आपके पास एस भी आपके पास जीरो है और आर भी आपके पास जीरो है। तो ये हमारे पास इधर जीरो है, ये हमारे पास इधर जीरो है। शुरुआत में मान लीजिए आपने क्यू एन की वैल्यू कितनी रख दी, जीरो रख दी। तो देखो, ये क्यू एन वाला जीरो उठकर आपके इधर आएगा। जीरो और जीरो को जब और करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, और उसका नॉर करने पर हमें कितना मिलता है, वन मिलता है, यानी क्यू एन बार आपको वन मिलेगा। देखो, क्यू एन जीरो है तो क्यू एन बार वन मिला, इसका मतलब आपका जो लैच है वो लैच आपकी प्रॉपरली काम करी, कोई लैच के अंदर दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखो, ये वन उठ के आपका इधर चला जाएगा। जीरो और वन का जब आप और करेंगे तो और करने पर कितना मिलेगा, वन मिलेगा। वन के ऊपर उसका जब नॉर करेंगे तो नॉर करने पर आपको कितना मिल जाएगा, अगेन जीरो मिल जाएगा। भाई, नॉर गेट क्या है, नॉट गेट और गेट का ही तो मिक्सचर है। तो हमें क्या करना है कि पहले और करना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर देना है। सिंपली यहां पर इतना सा समझो। तो वन और जीरो का और करने पर वन मिला, उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट करने पर हमें जीरो मिल गया। ये जीरो वापस आपका इधर आएगा, और ये प्रोसेस आपका लगातार चलता रहेगा। तो देखो, हमें अभी केवल इन दोनों पर ही हमें ध्यान देना है।
यानी जब आपने Qn को जीरो रखा तो Qn को जीरो रखने पर आपको Qn प्लस वन कितना मिला, जीरो ही आपको Qn प्लस वन मिला। नेक्स्ट स्टेट देखो कि हमने S को और R को दोनों को हमने जीरो जीरो रख दिया और Qn को मान लीजिए हमने वन रख दिया, ठीक है। S को और R को आपने दोनों को जीरो जीरो रख दिया और Qn को आपने कितना रख दिया, वन रख दिया। तो जब आपने इस तरह से यहां पर अरेंजमेंट किया तो उस अरेंजमेंट के केस में हमें क्या देखने को मिला उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलो ये जो पुरानी वाली वैल्यूज थी, इन पुरानी वाली वैल्यूज को मैं रिमूव कर देता हूं। तो इन पुरानी वाली वैल्यूज को मैंने रिमूव कर दिया। देखो अगर ये समझ में आ गया तो फिर सारे फ्लिप फ्लॉप समझ में आ गया, तो ये जरूर समझ लेना। तो हमने क्या किया है कि इन दोनों को जीरो जीरो रख दिया, क्यू एन को अगर आपने वन रखा तो ये वन उठ के आपका इधर आएगा, वन और जीरो का जो नॉर होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ये आपका जीरो उठ के यहां पर चला जाएगा, जीरो और जीरो का जो नॉर होगा वो जीरो और जीरो का नॉर किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा। यानी प्रीवियस स्टेट वन थी तो नई स्टेट भी हमें कितनी मिली है, वन मिली है। यहां से देखो एक हमें क्या कंक्लूजन मिला, एक हमें यहां पर यह कंक्लूजन मिला कि जब आपके एस और आर दोनों जीरो है, जब आपके एस और आर दोनों जीरो है उस वक्त जो हम क्यू एन की वैल्यू रखते हैं वही हमें क्यू एन प्लस वन की वैल्यू मिलती है। यानी उस वक्त जो आपके पास प्रीवियस स्टेट होती है वही आपके पास नेक्स्ट स्टेट होती है। देखो यहां पर देख लो, प्रीवियस स्टेट जीरो थी तो नेक्स्ट भी जीरो है, प्रीवियस वन थी तो नेक्स्ट भी वन है। यानी जब आपके एस और आर दोनों जीरो रहेंगे तो उस वक्त जो आपके पास पुरानी वाली स्टेट रहेगी वही आपको नई स्टेट मिलेगी। यानी इसको मैं क्या बोल दूं कि जो मैं क्यू एन की वैल्यू रखूंगा वही मुझे क्यू एन प्लस वन की वैल्यू मिलेगी जब एस और आर आपके दोनों जीरो रहेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट देखो कि मैंने एस को जीरो रखा लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, रिसेट पिन को हाई कर दिया। आर मतलब रिसेट पिन है, उस रिसेट पिन को मैंने एनेबल कर दिया, उसको मैंने हाई कर दिया। तो अब इस कंडीशन में हम देखते हैं कि हमें क्या क्या और किस किस तरह की वैल्यूज मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट अब हम रिसेट पिन के केस में देखेंगे। बहुत ही आसान काम है, बहुत ही ईजी ये हमारा काम है। तो यहां पर देखिए ध्यान से कि अब आपने एस को तो जीरो रख दिया, सॉरी एस को तो आपने जीरो रख दिया और आर को आपने वन रख दिया। तो एस को आपने जीरो रख दिया, आर को आपने वन रख दिया। इस वक्त मान लो क्यू एन आपने जीरो पुट किया, क्यू एन जब आपने जीरो पुट किया तो इधर आपको क्या मिला, जीरो मिला। जीरो और जीरो का नॉर कितना मिलेगा, आपको वन मिलेगा। यानी ऊपर जीरो रखने पर नीचे आपको वन मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, मतलब आपका सर्किट बहुत सही तरह से अभी काम कर रहा है। अब ये वन यहां पर जाएगा, वन और वन का नोर करने पर कितना मिलेगा, वन और वन का नोर करने पर आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने जीरो रखा क्यू एन को तो क्यू एन प्लस वन भी आपको वापस से क्या मिल गया, यहां पर जीरो मिल गया। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो पिछली वाली कंडीशन जैसा ही है, भाई एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये वास्तव में पिछली वाली कंडीशन जैसा ही है या इसमें कुछ अंतर है, तो वो एक बार मैं आपको चेक करके बताता हूं। अब हम क्या करें कि अब हम क्यू एन को वन कर दे, अब हम क्या करें, अब हम यहां पर अपने क्यू एन को वन कर देते हैं। तो देखो आर तो आपके पास वन है, एस आपके पास जीरो है, अब आपने क्या कर दिया, क्यू एन को वन कर दिया। क्यू एन को जब आपने वन किया तो ये वन आपका उठ के इधर आया, वन और जीरो का नोर, वन और जीरो का नोर आपके पास जीरो के बराबर होगा। ये जीरो उठ के आपका इधर चला गया, वन और जीरो का नोर वापस आपके पास किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। यानी जब आपने एस को जीरो रखा, आर को वन रखा और क्यू एन को अगर आपने जीरो रखा तब भी आपके पास क्यू एन प्लस वन कितना आया, जीरो आया, और क्यू एन को अगर आप वन रख देंगे तब भी आपके पास क्यू एन प्लस वन क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब जब एस जीरो रहता है, आर वन रहता है तो हमेशा आपको आउटपुट कितना मिलेगा, जीरो आपको आउटपुट मिलेगा। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिसेट कंडीशन हम इसको बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अपनी रीसेट कंडीशन हम इसको बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली, अगली कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगली कंडीशन में हम एस को वन कर देंगे और आर को जीरो कर देंगे, ठीक है।
यानी अब हम अपनी सेट पिन को एनेबल कर देंगे। तो एस को आपने 1 कर दिया, आर को 0 कर दो, तो इधर भी मैं दो केस लूंगा 1 और 0 के। यहां पर पहले आप 0 इनपुट दो, फिर आप 1 इनपुट दो। चलिए देखते हैं कि इस कंडीशन में हमें क्या आउटपुट मिलता है। देखो एस को आपने 1 किया है, आर को 0 किया है, तो आर को 0 कर देता हूं, एस को 1 कर देता हूं। क्यू एन पहले मैंने 0 रखा, क्यू एन 0 रखा, तो ये 0 आपके इधर आया। 0 और 1 का नोर, 0 और 1 का जो नोर है वो 0 और 1 का नोर आपके पास किसके बराबर आएगा भाई? 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो 0 और 1 का नोर हमारे पास किसके बराबर आया? 0 के बराबर आया। ये जो 0 है, ये 0 उठकर आपके अब यहां पर पहुंच जाएगा। 0 और 1 का नोर, 0 और 1 का नोर आपके पास वापस किसके बराबर आएगा? सॉरी वन मिनट, ये 0 आपका उठ के यहां पर पहुंचेगा, तो ये 1 की जगह 0 होगा भाई, थोड़ा ध्यान से। तो ये 1 की जगह यहां पर 0 होगा। 0 और 0 का नोर आपके पास किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। यानी यहां पर जो हमें आउटपुट मिला है, वो आउटपुट हमें कितना मिला है? 1 हमें यहां पर आउटपुट मिला है। सेट को जब हमने 1 कर दिया, रिसेट को जब हमने 0 कर दिया, तो उस वक्त देखो ये 0 आपको उठ के इधर आया। 1 और 0 का नोर, 1 और 0 का नोर किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ये 0 आपको उठ के उधर चला गया, 0 और 0 का नोर किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। यानी 0 आपके पास प्रीवियस स्टेट है और 1 आपके पास अपनी नेक्स्ट स्टेट है। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट केस के अंदर कि अब अगर मान लीजिए आपने क्यू एन को 1 रख दिया, तो जब आपने क्यू एन को 1 रखा तो क्या होगा? तो क्यू एन को आपने यहां पर 1 रखा, तो इधर आपको 1 मिला। ठीक है, 1 और 1, 1 और 1 का जो नोर होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। 1 और 1 का जो नोर होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ये 0 आपका यहां पर पहुंच जाएगा, ये 0 आपका यहां पर पहुंच जाएगा। 0 और 0 का नोर वापस आपके पास किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। यानी यहां पर आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। देखो आप जब सेट पिन को हाई करते हैं और रिसेट पिन को लो रखते हैं, उस कंडीशन में आप कुछ भी इनपुट दीजिए, आपको हमेशा आउटपुट कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। मतलब ये आपके पास कौन सी कंडीशन होगी? ये आपके पास होगी अपनी सेट कंडीशन। चलिए अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं कि जब हम अपने दोनों के दोनों जो पिन है हमारी, उन दोनों की दोनों पिन को हम हाई कर देते हैं। तो चलिए जब हम अपनी दोनों पिन को हाई कर देंगे तो उस वक्त हमारे पास क्या कंडीशन होगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एस को भी हमने 1 कर दिया, आर को भी हमने 1 कर दिया, इधर क्यू एन को अगर आप 0 रखेंगे तो इधर आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा। 1 और 0 का नोर किसके बराबर होगा? हमें 0 के बराबर मिलेगा। अब यहां पर आप देखो, ये हमें 0 है और ये हमारे पास 0 है। कायदे के हिसाब से क्या होना चाहिए कि क्यू एन और क्यू एन बार दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। मतलब यहां पर क्यू एन और क्यू एन बार दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो इस कंडीशन के दौरान आपका जो लैच होगी वो लैच किस में पहुंच जाएगी? इनवैलिड स्टेट के अंदर पहुंच जाएगी। और इस इनवैलिड स्टेट को हम डोंट केयर कंडीशन भी बोलते हैं, और इस डोंट केयर कंडीशन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि चलो अब मैंने मान लो इनपुट 1 दे दिया, क्यू एन की जगह मैंने 1 रख दिया, तो अब क्या होगा? आपके यहां पर 1 आएगा। 1 और 1 का जो नोर होगा वो 1 और 1 का नोर आपके पास किसके बराबर होगा? वो हमारे पास यहां पर बराबर होगा, 1 और 1 का नोर देखो 0 के बराबर मिलेगा। ये 0 देखो आपका वापस इधर जाएगा। 1 और 0 का जो नोर होगा वो 1 और 0 का नोर देखो हमें फिर से क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ये 0 आपका वापस इधर आएगा, 1 और 0 का नोर फिर से हमें 0 मिलेगा। यानी इसी तरह से पूरा प्रोसेस देखो आपका चलता रहेगा। तो जब एस और आर आपके दोनों 1 होंगे, उस वक्त आप कुछ भी यहां पर वैल्यू रखिए, 0 रखो चाहे आप 1 रखो, इस कंडीशन में आपका जो लैच है ये क्या दिखाएगा भाई? इनवैलिड बिहेवियर यहाँ आपका दिखाएगा, या हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारी डोंट केयर की कंडीशन को यहां पर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपके कौन सी होगी? ये होगी आपकी डोंट केयर की कंडीशन। तो आई थिंक आपके क्लियर होगा। चलो एक बार मैं इसका पूरा यहां पर समराइज कर देता हूं कि किस तरह से ये सारी की सारी चीजें होगी। देखो यहां पर ध्यान से देखना कि इधर आपके पास एस है, इधर आपके पास आर है, और इधर आपके पास मान लीजिए क्यू एन प्लस 1 है। एस और आर दोनों अगर आपके 0 होंगे तो क्यू एन प्लस 1 क्यू एन के बराबर होगा।
एस अगर आपके पास जीरो होगा वन, और आर अगर आपके पास वन के बराबर होगा, तो उस वक्त आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिसेट कंडीशन हम इसको बोल सकते हैं। ये अगर आपके वन होगा, ये जीरो होगा, तो ये हमें आउटपुट यहां पर वन मिलेगा, इसको हम सेट कंडीशन के नाम से जानते हैं। और दोनों अगर आपके जीरो, दोनों अगर आपके वन हुए, तो उस वक्त हमें क्या मिलेगी, इनवैलिड इसका बिहेवियर मिलेगा, और इस इनवैलिड बिहेवियर को हम डोंट केयर की कंडीशन के नाम से जानते हैं। तो ये यहां पर आपके बात हुई अपनी सबसे बेसिक लैच के बारे में, दैट इज योर एस आर लैच। एस आर लैच क्या होती है, किस तरह से काम करती है, आई थिंक आपके क्लियर होगा। अब देखो, लैच और फ्लिप फ्लॉप में अंतर, एक छोटा सा अंतर होता है लैच और फ्लिप फ्लॉप के अंदर। वो देखो क्या अंतर होता है कि लैच के अंदर हम कोई भी इसको ट्रिगरिंग, कोई भी हम इसको क्लॉक पल्स नहीं देते। लैच के अंदर क्या करते हैं कि हम कोई भी इसको क्लॉक पल्स नहीं देते। लेकिन अब अगर मैं बात करूं फ्लिप फ्लॉप की, तो जैसे सबसे पहले चलिए हम यहां पर बात करते हैं अपने एस आर फ्लिप फ्लॉप की, क्योंकि हम एस आर लैच के बारे में यहां पर बात कर चुके हैं। अब हम अपनी बात करेंगे, शुरुआत करेंगे यहां पर एस आर फ्लिप फ्लॉप से, ठीक है भाई। तो अब हम यहां पर देखेंगे अपनी एस आर लैच, एस आर सॉरी एस आर फ्लिप फ्लॉप को। तो देखो, एस आर फ्लिप फ्लॉप और एस आर लैच के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि लैच के अंदर हम कोई गेट पल्स उसको प्रोवाइड नहीं कराते, लेकिन फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम उसको गेट पल्स या क्लॉक पल्स प्रोवाइड करवा देते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे कि दो इस तरह से एक एंड गेट का हम यहां पर अरेंजमेंट कर देंगे, और ये आप इस पर इस तरह से क्लॉक पल्स लगा देंगे। बाकी जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट होगा वो सेम वही होगा जो पिछला था। ये आपके पास आर होगा, ये एस होगा। देखिए, ये जो क्लॉक पल्स होगी, इस क्लॉक पल्स को हम हमेशा हाई रखते हैं, ठीक है। यानी क्लॉक को हम हमेशा क्या करेंगे, वन करेंगे। देखो, क्लॉक को अगर हमने जीरो कर दिया, तो आपको पता है कि ये एंड गेट है। एंड गेट के अगर किसी भी एक इनपुट को हम जीरो कर देते हैं, तो वो हमें क्या करता है, जीरो ही आउटपुट प्रोवाइड करवाएगा। तो अगर आपने एंड गेट के इनपुट को जीरो कर दिया, यानी क्लॉक को अगर आपने जीरो कर दिया, तो अब आप क्या चाहते हो, आप अपने फ्लिप फ्लॉप से, आप अपने लैच से कोई काम नहीं करवाना चाहते, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाई इंपेडेंस की कंडीशन। बाकी देखो, जो पूरा हमारे पास अरेंजमेंट होगा वो वही अरेंजमेंट होगा जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था। इसी तरह हमारे पास यहां पर नोर गेट होंगे, ये आपके पास एक नोर गेट है और ये आपके पास दूसरा नोर गेट है। यहां पर आपके पास होगा क्यू एन, और इधर होगा आपके पास क्यू एन बार, और इस तरह से आप वही फीडबैक देंगे जो आप अभी तक यहां पर देते आए थे, ठीक है। तो ये आपके पास होगा अपना एस आर फ्लिप फ्लॉप। इस एस आर फ्लिप फ्लॉप की अभी अभी हमने इक्वेशन देखी थी, वो क्या इक्वेशन थी कि एस आर क्यू एन प्लस वन। एस जीरो है, आर जीरो है, एस जीरो है, आर वन है, इधर है हमारे पास वन जीरो, इधर है हमारे पास वन वन। तो जो आपके पास आउटपुट आएगा वो क्यू एन के बराबर आएगा। इधर आपके पास जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, रिसेट होगा। इधर आपके पास जो आउटपुट होगा वो सेट होगा, और इधर आपके पास क्या आएगी, डोंट केयर की कंडीशन। डोंट केयर की कंडीशन मतलब इस तरह से आप क्रॉस के अंदर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डोंट केयर की कंडीशन हमें यहां पर देखने को मिलेगी। तो चलिए, अब हम यहां पर के मैप की मदद से, देखो इसका एक फंक्शन अगर मैं बनाऊं, तो एस आर और क्यू एन ये हमारे क्या है, एक तरह से इनपुट का काम करेंगे, और इन इनपुट से आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आपको आउटपुट यहां पर क्या मिलने वाला है, क्यू एन प्लस वन आपको यहां पर इनका आउटपुट मिलने वाला है। तो इस तरह से आप फंक्शन के रूप में इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फंक्शन एस आर क्यू एन, और इसका जो आउटपुट होगा वो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, क्यू एन प्लस वन आपको इनका आउटपुट मिलेगा, क्लियर है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमसे इस फ्लिप फ्लॉप के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछ ली जाती है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको याद रखनी है एस आर फ्लिप फ्लॉप की, वो हमारे पास इज इक्वल टू होगी क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू हमारे पास होता है एस प्लस आर बार क्यू एन के। चलिए, इसको अगर हम रियलाइज करें, तो ये मान लीजिए आपके पास कोई इनपुट है आर, इस आर इनपुट को आपने इन्वर्ट कर दिया, तो यहां पर आपको क्या मिला, आर बार मिल गया। यहां पर आपके पास एक और गेट है, और इसका जो आपका आउटपुट है ये किसके बराबर है, क्यू एन प्लस वन के। तो इधर से क्या कीजिए, फीडबैक के द्वारा इसको यहां पर इस तरह से प्रोवाइड करवा दीजिए, तो ये जो आपको आउटपुट मिलेगा ये क्या मिलेगा, आर बार क्यू एन के बराबर मिलेगा। इधर से आप एक इनपुट एस यहां पर दे दीजिए, और इधर से आपने ये आर बार क्यू एन इसको प्रोवाइड करवा दिया, तो क्यू एन प्लस वन आपको मिल गया एस प्लस आर बार क्यू एन के बराबर।
तो ये था हमारे पास एस आर फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और क्या इसका डायग्राम हमारे पास होता है। देखिए इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम होती है हमारे पास डोंट केयर की प्रॉब्लम। तो चलिए इस डोंट केयर की प्रॉब्लम से किस तरह डील किया जाता है वो हम देखते हैं अपने नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले व बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपरेशन।